नमस्कार, मैं इशिका गुलाटी स्वागत करती हूँ आप सबका मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड बुलेटिन में, जहाँ हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स। तो शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के लव बर्ड्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर से, जिनकी उड़ती उड़ती शादी की खबरें आ रही हैं। दरअसल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में स्पॉट किया गया है। माना जा रहा है दोनों जोधपुर में अपनी शादी की अरेंजमेंट्स और वेन्यू के लिए पहुंचे हैं। आलिया और रणबीर के फैंस को उनकी शादी की खुशखबरी इस साल के आखिर तक मिल सकती है। रणवीर सिंह की फिल्म 83 का इंतजार खत्म हुआ। रणवीर सिंह ने ये खुशखबरी अपने फैंस को इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर शेयर करते हुए दी। उन्होंने लिखा, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। फिल्म 83 इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। आपको बता दें, उनकी ये फिल्म ग्रेट क्रिकेटर कपिल देव की बायोग्राफी है, जो पिछले साल अप्रैल में रिलीज होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में रिलीज करने का फैसला लिया। इसके साथ ही रणवीर ने अपनी दूसरी फिल्म जयेश भाई जोरदार की रिलीज डेट भी फैंस के साथ शेयर करी, जो अगले साल रिलीज होगी। अब बात करते हैं बॉलीवुड की धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित की, जिनकी नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म फाइंडिंग अनामिका का ट्रेलर रिलीज हुआ है। माधुरी ने खुद अपनी इस आने वाली फिल्म का ट्रेलर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है और अपने फैंस को इसकी जानकारी दी। शेयर करते हुए माधुरी ने लिखा, क्या आप तैयार हो अनामिका से मिलने के लिए? बता दें कि माधुरी की इस फिल्म की कहानी एक सुपरस्टार, पत्नी और माँ के बारे में है, जो अचानक गायब हो जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि माधुरी की ये फिल्म फैंस को काफी पसंद आएगी। अब आते हैं परफेक्शनिस्ट आमिर खान पर, जो अपनी एक्स वाइफ किरण राव और अपने बेटे आजाद के साथ लंच डेट पर स्पॉट किए गए। किरण और आमिर अपने डिवोर्स के बाद पहली बार एक साथ स्पॉट किए गए हैं। आपको बता दें, दोनों डिवोर्स के बाद अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। वहीं वो अपने बेटे आजाद को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं। आमिर ये कई इंटरव्यूज और टॉक शोज में कहते भी दिखे हैं कि वो किरण के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी क्लियर हैं और वो इस बात को अपने बेटे पर कभी इफेक्ट नहीं होने देते। बॉलीवुड के सीनियर एक्टर्स में से एक हैं अनुपम खेर, जो अपने फैंस के बीच सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। जैसे कि अनुपम खेर के फैंस जानते ही हैं कि हाल ही में अनुपम खेर को हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने हिंदी अध्ययन में डॉक्टरेट यानी PhD की उपाधि दी है। अब अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी माँ का एक वीडियो डाला है, जिसमें वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर खेर कहकर बुलाएं, लेकिन अनुपम खेर की माँ घर में उन्हें बिट्टू कहकर बुलाती हैं। इसीलिए वो जिद पर अड़ी हैं कि वो उन्हें बिट्टू ही बोलेंगी। उन दोनों की ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अब वैसे बॉलीवुड सितारों के फैंस आए दिन अपने फेवरेट एक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ खास करते रहते हैं, लेकिन बिग बी के फैंस उन पर हमेशा से ही जान छिड़कते हैं। ऐसे ही हैं बिग बी के ये फैन, जिनका नाम आयुष है। इन्होंने शरीर से पूरी तरह सक्षम ना होने के बावजूद भी अमिताभ जी की ये पेंटिंग बनाई है। मिस्टर बच्चन ने इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम पर एक सुंदर मैसेज के साथ शेयर किया। अब जाते जाते जान लेते हैं बॉलीवुड बुलेटिन के पिछले सवाल का सही जवाब। हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री कौन थी। इसका सही जवाब है देविका रानी। और हमारे इस सवाल के टॉप 3 विजेता हैं याचना, सोनल सिंह और सैफ अली। आज का हमारा अगला सवाल है, भारतीय सिनेमा की ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रिटिश कलाकार थे? अगर आप इस सवाल का सही जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहे मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल। धन्यवाद।